बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 3 इंटेग्रेशन। और इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 3.1 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्सरसाइज है 3.1 में क्या गया, एक्सरसाइज 3.6। और एक्सरसाइज 3.6 में हमें फंक्शंस गिवन है, ठीक है, और उन पे लिमिट्स गिवन है और जिनको हमने इंटीग्रेट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड करना है, कोई डेफिनेट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व जिसमें हमें लिमिट गिवन है एक्स जो है लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, ठीक है। तो उसमें हमें टोटल जो है 30 क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करते हैं इस लेक्चर में हम पहले 15 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में हमें लिमिट्स भी गिवन है 1 से लेकर 2, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 1 टू एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चले हम इसको, इसका डेफिनेट इंटीग्रल हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम है, उसी तरह से फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। एंड पे बस ये है कि हमें लिमिट्स पुट करना होगी, जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं किस तरह से हम अप्लाई करते हैं लिमिट्स को, तो उसी तरह से हम यूज़ करेंगे। चलें इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये दो फंक्शंस हैं, एक तो ये बात है कि इसमें हम इनको सेपरेट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को और 1 को, ठीक है। एक्स स्क्वायर के ऊपर सेम लिमिट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसी तरह से 1 के ऊपर भी सेम लिमिट रहेगी 1 से 2 और 1 की इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x स्क्वायर साथ में मौजूद है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, उसके अलावा जो है आप देखें x अगर फंक्शन कंसिडर किया जाए तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट रोल लग सकता है, बल्कि प्रोडक्ट रूल मैं क्या गया हूँ, पावर रूल लग सकता है, ठीक है। पावर रूल क्या था कि इसमें एक पावर का इंक्रीमेंट कर देते हैं, एक्स क्यूब बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3, इतना तो अब आपको थ्योरम्स का आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पावर रूल लग रहा है, एक्स क्यूब बाय 3 इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है और इसके ऊपर लिमिट हमने अभी लगानी है, ठीक है, 1 से लेकर 2। अच्छा, उससे पहले हम दूसरे फंक्शन की भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही इसकी इंटीग्रेशन होती है और उसके ऊपर अभी हमने लिमिट लगानी है। अच्छा, अब लिमिट हम पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का तरीका क्या था कि पहले अपर लिमिट हम पुट करते हैं, ठीक है, फंक्शन में जहां पर एक्स है या वेरिएबल है जो भी। तो यहां पर एक्स है वेरिएबल, इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। ये हमने अपर लिमिट पुट की, उसके बाद माइनस का साइन और फिर लोअर लिमिट हमने पुट करनी है। लोअर लिमिट आपको नजर आ रही है जो कि 1 है, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की, उसके ऊपर लिमिट भी पुट कर चुके हैं। उसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ पर हम प्लस पुट करते हैं। उसके बाद इस जो दूसरी इंटीग्रल है, मतलब कि एक्स जिसका ये इंटीग्रेशन, ठीक है, तो इस पर भी हमने अब लिमिट्स पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2, यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो सिर्फ यानी कि उस एक्स की जगह 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो एक्स की जगह 1 आ गया, 2 माइनस 1। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट्स हमने पुट कर ली हैं। तो 2 का क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 बाय 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 एलसीएम आया तो इसके न्यूमरेटर में 8 माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या आता है, 10 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 3 एक डेफिनेट वैल्यू है। इसके साथ हमने प्लस सी क्यों नहीं लिखा, अगर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, मतलब जिस तरह यहाँ से एक्स स्क्वायर की मैंने इंटीग्रेशन फाइंड की, उसके बाद प्लस सी क्यों नहीं लिखा। प्लस सी मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पर लिमिट्स आ चुकी हैं, ठीक है, मतलब कि उसने एक बाउंड कर दिया रीजन को। रीजन कौन सा है वो हम पहले पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रीजन को जब बाउंड कर दिया तो वो एक डेफिनेट बन गया, डेफिनेट
वैल्यू बन गई है। ठीक है, डेफिनेट वैल्यू के लिए हमें प्लस सी कॉन्स्टेंट जो है उसको जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस वजह से यहाँ से हम सी को हटा देते हैं। हटाना भी क्या है, हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, प्लस सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन 3.6 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें एक फंक्शन गिवन है, जो कि फंक्शन है एक्स की पावर 1/3 + 1। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट हमें गिवन है -1 से 1। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है लिमिट नेगेटिव आ चुकी है। ठीक है, अभी तक हमने लिमिट नेगेटिव नहीं पढ़ी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। हालांकि डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने पुट करना है तो सिर्फ -1 पुट करना है, तो और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से जिस तरह ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। मतलब कि एक्स पावर 1/3 को हम सेपरेट कर लेंगे और लिमिट्स सेम रहेंगी -1 से 1, और डी एक्स साथ इसके आ जाएगा। उसके बाद प्लस साइन है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर मैं माइनस लगाता। उसके बाद लिमिट सेम -1 से 1, और फंक्शन हमारे पास यहाँ पर है 1, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए अब दो फंक्शंस की रहते रहते इंटीग्रेशन हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। एक्स पावर 1/3 इसके साथ 1 मौजूद है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये 1 जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, इस वजह से इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है कि इसके पावर में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जो इसकी पावर बनती है 1/3 + 1 वो डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे। ये तो इंटीग्रेशन होगी, लेकिन अभी इसके ऊपर लिमिट्स लगाना बाकी हैं, जो कि -1 से 1 है। ठीक है, तो वो अभी हम इसी तरह से लिख देते हैं। प्लस इसी तरह से सेकंड फंक्शन की भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो एक्स ही रहेगी, और इसके ऊपर लिमिट्स हमने लगानी है -1 से 1, और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लें। एक्स पावर 1/3 + 1, 1/3 + 1 क्या होता है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 3 यानी कि 4/3 बनता है। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, x पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, और इसके ऊपर लिमिट्स क्या है, -1 से 1 प्लस, इस पर हम लिमिट्स चले अभी नहीं अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेप में दोनों की इकट्ठी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करने का वही तरीका है कि पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, मतलब इस केस में 1 इसकी अपर लिमिट है, तो 1 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट सेम 4/3 रहेगा, और माइनस अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, यानी कि -1 पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, ये हमने इस पे लिमिट पुट की, अब इसी तरह से इस पे भी पुट कर देते हैं सेकंड फंक्शन पे भी। फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, आगे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 1 की पावर 4/3 = 1, उसके बाद माइनस साइन। अब -1 की पावर 4/3 क्या बनेगा, -1 की पावर 4/3 ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये इवन है 4। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/3 की पावर 4। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रहता है इसकी वजह से, 1/3 की वजह से, तो ये बाहर क्या है, इवन है। ठीक है, इवन पावर है, इवन पावर की वजह से ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली +1 लिखते हैं, 1, और डिवाइडेड बाय 4/3 है, ये भी डिवाइडेड बाय 4/3 है। ठीक है, प्लस 1, और -1 ये प्लस हो जाएगा, +1। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो आपस में ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 1 + 1 = 2। तो 2 इसका रिजल्ट आया है, 2 एक डेफिनेट वैल्यू है, हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड की है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड की है, डेफिनेट इंटीग्रेशन किसकी फाइंड की है, एक्स पावर 1/3 + 1 फंक्शन की। अच्छा, अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से बाकी भी क्वेश्चंस हैं, हम बाकी कुछ स्किप करते हैं और किसी और क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास जो पैरामीटर है टी है, ठीक है, वेरिएबल आप उसे कह सकते हैं टी है, तो इंटीग्रल ऑफ हमने फाइंड करनी है किसकी, 2t-1 का क्यूब और उसका स्क्वायर रूट, इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है और हमें लिमिट भी साथ गिवन है 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक। अच्छा ये तो हो गया चलें क्यूब और उसकी पावर स्क्वायर रूट, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि हमें समझ लगे कि हमने इंटीग्रेट कैसे करना है इसको। 2t-1 की पावर क्या है, 3 है, और स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसको हम होल की पावर 1/2 कह सकते हैं, ठीक है, और बाहर इंटीग्रल का साइन है जिसके ऊपर लिमिट है 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dt, ऊपर भी dt मौजूद है। अच्छा अब हमें समझ लगेगी कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, चलें उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी सिंगल पावर कर लेते हैं, मतलब कि 2t-1 की पावर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, और इंटीग्रल सेम उसी तरह से एज इट इज उतार लेते हैं, लिमिट्स भी एज इट इज उतार लेते हैं। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है 2t-1 की पावर 3/2 को, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखें अगर आप इसको फंक्शन कंसिडर करते हैं 2t-1 को, तो नीचे आपके पास क्या है, यानी कि साथ में आपका इसका यानी कि डेरिवेटिव होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर आप फाइंड करें 2t-1 का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या आता है, 2-0, ठीक है, यानी कि 2 आता है डी ओवर डी टी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, 2 इसका डेरिवेटिव है जो कि साथ मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कि साथ बना लेते हैं इसका डेरिवेटिव, मतलब कि 2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो इस तरह से ये फंक्शन का डेरिवेटिव साथ आ गया, फंक्शन की पावर 3/2 है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर 2 मौजूद है, तो यहाँ पर भी पावर रूल लग सकता है, ठीक है, पावर रूल क्या होता है, 2t-1 की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय जो पावर बन रही है 3/2 + 1 और इसके ऊपर लिमिट भी है, लिमिट क्या है 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और कांस्टेंट हमने बाहर रखा हुआ है, चलिए बाहर हम रख लेते हैं। अब ये 1/2 इसी तरह से, और इसको हम पहले सॉल्व करते हैं फिर जाके इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, 2t-1 की पावर क्या है 3/2 + 1 को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 + 1 इसका एलसीएम लें 3 + 2 ये बनता है 5/2, ठीक है, तो 2t-1 की पावर क्या हो जाएगी 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और उसके ऊपर लिमिट है 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक। अच्छा एक और काम अब हम ये कर सकते हैं कि देखें हमने लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम जो वेरिएबल होता है उसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़, ठीक है, चाहे अपर लिमिट पुट करनी है या लोअर लिमिट पुट करनी है, लेकिन कांस्टेंट तो उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, कांस्टेंट तो उसी तरह साथ चल रहा होता है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि कांस्टेंट को हम यानी कि लिमिट से बाहर निकाल दें, चले हम ऐसे करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि ये 5/2 बाहर ले आते हैं, यानी कि 2/5 बन जाएगा, 2/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से 2/5 ये बन जाएगा, और 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 1/5 आ गया, मतलब कि 1/5 कांस्टेंट है बाहर आ चुका है और फंक्शन हमारे पास क्या है 2t-1 की पावर 5/2 और उसके ऊपर लिमिट है 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करेंगे कि इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं लिमिट्स 1/5 और अपर लिमिट पहले पुट करेंगे 2√5-1 की पावर 5/2, उसके बाद माइनस साइन और लोअर लिमिट अब पुट करेंगे 2√1-1 की पावर 5/2। अच्छा क्या ये इस तरह से ठीक है, नहीं, या तो आप इसके साथ भी 1/5 लिखें या फिर आप ऐसा करें कि 1/5 को बाहर कॉमन रहने दें और इसकी यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दें, क्योंकि 1/5 जो है इस पूरे फंक्शन के साथ विद लिमिट्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जो फंक्शन है विद लिमिट्स उसके साथ ये 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ अपर लिमिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था,
अपर माइनस लोअर लिमिट इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल दी क्योंकि 1/5 या इसका होल इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब हमने लिमिट्स तो पुट कर दी, अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं ये क्या इस रिजल्ट देता है। 1/5 एज इट इज उतार लेते हैं, 1/5, उसके बाद ये 2√5 माइनस 1 की पावर क्या बन जाती है, 2 5/2, ये तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं, ठीक है, 2√5 माइनस 1 की पावर 5/2 माइनस 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 क्या रिजल्ट देगा, 1, और 1 की पावर क्या है 5/2, और 1 की जो मर्जी आप पावर ले लें, ठीक है, वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 1/5 × 2√5 माइनस 1 की पावर क्या बन जाएगी, 5/2 माइनस 1, जी हमने लिमिट्स पुट कर दी और यहाँ तक इसको हमने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट बनता है डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है, लिमिट्स पुट करके सॉल्व भी कर दिया हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 5। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ लिमिट्स पुट करना आपको आनी चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन तो आप बाकी सब मेथड्स आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसकी आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर नज़र आया है उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और डिफ़िकल्ट भी इस वजह से है क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन का मेथड आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इस वजह से मैं वो चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन ही मुश्किल है, अदरवाइज लिमिट्स जो है वो पुट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो 0 से π/4 तक इसकी लिमिट है, ठीक है, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट से, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर हम इसको कैसे इंटीग्रेट करें, देखें यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है 1 + cos of 2θ, 1 + cos of 2θ जो कि किसके इक्वल है, 2 cos²θ के, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, या आप इसे कह लें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा था, 1 + cos²θ / 2 = cos²θ, या फिर sin²θ = 1 - cos²θ/2, ठीक है, ये वही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, इनमें से मैंने ये लिया है, ठीक है, जिसको मैंने 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 + cos²θ बन गया, जो कि हमारे फंक्शन में मौजूद है, तो इसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं 2 cos²θ। चलिए पुट करके देखते हैं क्या बन जाता है, कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos²θ। मैंने वैसे ही क्यों नहीं इसको इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी कोई फॉर्म बनी नहीं हुई, या हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है या थ्योरम नहीं है कि इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकूं, ठीक है, तो हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, 0 से π/4 तक इसकी लिमिट है और थीटा की रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, आगे मजीद हम इसको क्या करें कि हम चलें ऊपर, दो अलग-अलग फंक्शंस हैं आपस में सम हो रहे हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि कॉस ऑफ थीटा को हम अलग से 2 cos²θ से डिवाइड कर लेते हैं और साइन ऑफ थीटा को हम अलग से 2 cos²θ से डिवाइड कर लेते हैं, 2 cos²θ, तो ये इंटीग्रल भी इनका अलग अलग आ जाएगा और थीटा साइन भी, और लिमिट सेम रहेंगी दोनों के लिए, π/0 से π/4 0 से π/4। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखें 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं, 1/2 लिमिट 0 से π/4 और कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos²θ, ये कॉस जो है नीचे स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि ये इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/cos θ प्लस इंटीग्रल साइन 0 से π/4 की लिमिट है, और इसमें भी 2 कॉमन कॉन्स्टेंट है, उसको हम बाहर ले आते हैं, 1/2 और साइन थीटा ओवर क्या बच गया, cos²θ, हम ऐसा करते हैं cos²θ को हम ऐसे लिखते हैं cos θ into 1/cos θ, ठीक है,
cos theta into cos theta मैंने लिख दिया, cos secant theta को. ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया. 0 से pi by 4 as it is ये उतारते हैं. 1 और cos theta के इसके equal होता है, secant theta के, और 1 over 2 as it is, 0 से pi by 4 limit. sin theta और cos theta क्या होता है, tangent theta होता है, tangent theta. और 1 over cos theta क्या होता है, secant theta होता है, और साथ में d theta मौजूद है. इधर भी d theta आएगा, यहां पर भी d theta आएगा, और यहां पर भी d theta आएगा. अब देखें, secant theta की हमने integration पहले से पढ़ रखी है, ठीक है. secant theta की integration क्या होती है, मैंने एक लहजा से लेक्चर में आपको पढ़ाया था. अगर आप integration के टॉपिक्स पढ़ें, ठीक है, लेक्चर्स पढ़ें, तो उसमें मैंने आपको secant theta की integration समझाई हुई है किस तरह से आप फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल आई थी उसका मैं यहां पर रिजल्ट डायरेक्टली यूज करूंगा. मेजर लॉग ऑफ secant theta प्लस tangent theta, और इसके ऊपर लिमिट भी है, ठीक है. लिमिट क्या है, 0 से pi by 4 तक, और उसके अलावा 1 by 2 बाहर कांस्टेंट मौजूद है. इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है tangent theta into secant theta, इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी, ये किसका डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन भी हमने पहले पढ़ी हुई है, जो कि secant theta के इक्वल आएगी, secant of theta. और लिमिट सेम रहेंगी, 0 से pi by 4, और बाहर कांस्टेंट 1 by 2 भी मौजूद रहेगा. अच्छा, आगे सिर्फ आपने लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट सम पुट करके देख लेते हैं. 1 by 2 और नेचुरल लॉग ऑफ secant, ये secant theta है, नेचुरल लॉग ऑफ secant pi by 4, यानी कि पहले अपर लिमिट हम पुट करेंगे pi by 4 प्लस टेंजेंट, जहां जहां पर थीटा है हमने वहां पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है, ठीक है. ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 प्लस टेंजेंट 0, ठीक है. ये अभी हमने सिर्फ क्या किया, इस फंक्शन पे लिमिट पुट की है, यानी कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर साथ 1 by 2 मौजूद है. इसी तरह से हमने दूसरे फंक्शन पे भी लिमिट पुट करनी है, 1 by 2 आ जाएगा, और साथ में हमने secant of pi by 4, secant of pi by 4 minus secant of 0, इस तरह से हमारे पास ये लिमिट्स पुट कर दी हमने. आगे इनकी क्या यानी कि आती हैं हमारे पास रिजल्ट्स, क्या आते हैं, secant of pi by 4 क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. secant of pi by 4 जो है वो square root of 2 के इक्वल होता है, ठीक है. और यहां पर नेचुरल लॉग मौजूद है, और उससे बाहर 1 by 2 कांस्टेंट मौजूद है. और टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, यानी कि टेंजेंट ऑफ 45 इज 1 होता है, ठीक है. माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 जो है वो 1 हो जाएगा, आप फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए भी. और टेंजेंट 0 इज 0, ये इसकी वैल्यूज आ गई. उसके बाद प्लस 1 by 2 into secant पाई बाय 4 जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और secant of 0 is 1, ठीक है. अब हमने इसकी फाइंड करनी है, मतलब कि इसको मजीद आगे सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 by 2 natural log of, इसी तरह से रहेगा, square root जो है square root 2 plus 1 minus नेचुरल लॉग ऑफ, ये क्या बनता है, 1 बनता है. नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, इसको इसी तरह से 0 पे मैं पुट कर देता हूं. और प्लस अब ये है 1 by 2 into square root of 2 minus 1, इसको भी हम इस तरह से लिख देते हैं, 1 by 2 into square root of 2 minus 1, ठीक है. तो ये तकरीबन हमारे पास ये रिजल्ट बनता है, या फिर आगे आप इसे कह लेंगे 1 by 2 कॉमन आ रहा है, 1 by 2 कॉमन ले लें, और नेचुरल लॉग ऑफ square root of 2 plus 1 plus square root of 2 minus 1, ये आपके पास रिजल्ट बनता है, ठीक है. सिंपलीफाइड फॉर्म में आप कह सकते हैं, ठीक है. तो ये मतलब कि इसमें समझने वाली बात ये थी, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, और उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद इस पे लिमिट्स हम किस तरह से पुट करेंगे. तो यहां पर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे.